हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट 2। हम अब तक क्या पढ़ चुके थे कि मटेरियल को क्यों सेपरेट करके हम लोग रखते हैं, ताकि हमें इजीली से हम फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर। फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से अपीयरेंस के लिए यूज होते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक किसी चीज़ों को, जैसे लिक्विड चीज़ों को या किसी चीज़ को रखने के काम आती है। उसी तरह डिफरेंट, जैसे अब क्लोथ हम लेंगे तो क्लोथ को हम उसमें पानी नहीं कर सकते, वही हम यूटेंसिल्स लेते हैं। अगर लीफ ले लेंगे तो लीफ में हम अपना खाना नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें बर्तन चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स की। प्रॉपर्टीज क्या होती है मटीरियल्स की? अब हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके थे कि प्रॉपर्टीज में हमने अगली बार लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर हम क्लोथ ले रहे हैं उसमें पानी फिलअप कर रहे हैं तो वो एक ऐसी हरकत हो जाएगी हमारी सीली वाली कि हम स्टूपिड की तरह उसमें डाल रहे हैं पानी, जबकि पानी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसलिए टम्बलर हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का, जो भी मेटल्स है उन सब पे हम टम्बलर यूज़ करते हैं ताकि हम पानी उसमें बच सके। अब जब बात आती है अपीयरेंस की, इसकी बात आती है अपीयरेंस की, तो मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखता है ना। अगर वुड देखो तो अलग है, आयरन देखो तो वो थोड़ा अलग दिखता है, एल्युमिनियम अलग दिखेगा, कॉपर अलग दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट दिखती है। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड जो है एकदम अलग दिखता है आयरन से। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। अगर आयरन की बात करें तो कॉपर एल्युमिनियम से एकदम डिफरेंट दिखेगा। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, दे आर नॉट लाइक देयर इन वुड। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को हम लेंगे तो वो एकदम डिफरेंट लगेंगे कंपेयर टू वुड से, जबकि आयरन से कॉपर एल्युमिनियम अलग लगेगा। तो ये सारे एक दूसरे से कैसे डिफरेंट दिख रहे हैं, पर कुछ कॉमन है आयरन में, कॉपर में, एल्युमिनियम में। बताओ तीनों में क्या कॉमन है? दैट इज दे आर मेटल्स। क्या है? मेटल है। वहीं अब एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम, सी चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइन? इन सबको हम लेते तो शाइनी वाले शाइन मार रहे हैं। पेपर नो, कार्डबोर्ड नो, वुड नो, कॉपर वायर थोड़ी सी शाइनिंग मार रही है ना, एल्युमिनियम शीट वो भी शाइन मारेगी, चॉक नहीं। सेपरेट द शाइन मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब इन शाइनिंग मटेरियल को हमने ग्रुप में देख लिया कि एल्युमिनियम की शीट है वो शाइन मारेगी, कॉपर है तो वायर है वो भी शाइन मारेगी, जबकि पेपर, कार्डबोर्ड और चॉक वगैरह शाइन नहीं मारेगा। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर्स कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस। अब ऑब्जर्व करना है जब हम इन्हें टू पीसेस में कट करेंगे। लुक एट द फ्रेशली कट सर्फेस, व्हाट डू यू नोटिस? डज द फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी? जब इनको बीच में से कट किया जाएगा तो उसके जो अंदर की अपीयरेंस है वो शाइनी यानी चमकती हुई दिखती है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल। जो भी ऐसी चीज़ें तुम कलेक्ट कर रहे हो, उनको बीच में से कट कर रहे हो, कट करने के लिए तुम्हें नाइफ से तो नहीं कट करोगे, रॉड चाहिए होगी, जो तुम्हारे खाती बोलते हैं ना यूज़ करते हैं वैसे रॉ चाहिए होगा कट करने के लिए। डू यू नोटिस सच अ शाइनर और लस्टर इन अदर मटेरियल? कट देम एनी वे एज यू कैन। क्या तुम्हें और किसी चीज़ में लस्टर यानी शाइनिंग अपीयरेंस दिख रहा है? रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच विद और विदाउट लस्टर। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ देयर इज अ लस्टर। अगर तुम्हें कटिंग नहीं करनी तो तुम क्या करो? अगर इस वुड को लो, यहाँ से इसको सैंड पेपर आता है, उस सैंड पेपर में अगर तुम इसको रब करोगे तो तुम्हें इसके नीचे की सर्फेस थोड़ी सी दिखेगी, तो क्या वो शाइनिंग करेगा? वुड शाइन करेगा नहीं। वुड कब शाइन करना स्टार्ट करता है? थोड़ा सा जब उस पर पॉलिश किया जाता है, नॉर्मल वुड शाइन नहीं करता। उसके बाद मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल। ऐसे मटेरियल जो शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड क्या है? मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उन्हें मेटल बोला जाता है। दूसरा, इनमें तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो पास हो रहा है। दूसरा, ये तुम्हें मोल्ड करके, तुम मेल्ट करके इनको चेंज ऑफ फॉर्म चेंज कर सकते हो। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयरेंस डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स अपनी शाइनिंग खो देते हैं। कब खो देते हैं? वो अपनी शाइनिंग तब खो देते हैं ना कि जब उन्हें बाहर से एटमोसफेयरिक से अगर रस्टिंग लग जाता है। जैसे आयरन है, आयरन पे जंग लग जाता है तो वो मेटल, और उस पर क्या लग गया? जंग लग गया। जंग कैसे लगता है? रस्टिंग कैसे लगती है? रस्टिंग तब लगती है जब आपके मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है, जब वो सरफेस से टच करते हैं तो उनका कैसा हो जाता है? उनमें
जंग लग जाता है। वी डेयर टू नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सर्फेस, तभी हम फ्रेशली कट सर्फेस मतलब जब कभी किसी सर्फेस को जैसे ये रॉड है उसको हम कट करें तभी हम बीच में शाइन करते हैं। आज का रोड है तो हम इसके आजू बाजू शाइन इतनी ज़्यादा नहीं देखेंगे। तब देखने को मिलेगा हमें जब हमने इसे बीच में से कट किया तब इसकी सर्फेस जो है वो हमें लस्टर मतलब शाइनेबल दिखेगी। When you visit the iron smith or a workshop, look out freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. जब तुम किसी स्मिथ ब्लैकस्मिथ मतलब जो आयरन वो बनाते हैं बर्तन वगैरह काटते रहते हैं उन सबके पास जो है जो आयरन के काम करते हैं तो जब वो कट करते तो क्या क्या फ्रेशली दिखते हैं। वो कब फ्रेशली ऊपर की सर्फेस उनकी फ्रेशली नहीं होगी जब वो बीच में से कट करेगा क्योंकि उनमें रस्ट नहीं लगा मतलब जंग नहीं लगा और जंग नहीं लगा तो वो बीच की सरफेस कैसी होगी लस्टर होगी मतलब शाइनिंग अपीयरेंस होगी। अब तुम ये बताओ कि अगर किसी मर्टल सरफेस को मुझे बचाना है कि जंग ना लगे उसको तो मुझे क्या कर सकती हूँ मैं उसमें उसमें ऑयल पेंट करती हूँ। तुम देखते हो ना तुम्हारे गेट्स वगैरह को तुम क्या कर देते हो पेंट कर देते हो। क्यों पेंट करते हो ताकि उस पर जंग ना लगे और जैसे जंग लगेगा या रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मेटल क्या होगा थोड़ा घिसना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है हार्डनेस की। हार्डनेस हर चीज़ की अलग अलग हार्डनेस है। तुम्हारी स्किन देखो ज़्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है थोड़ी सॉफ्ट है। वहीं तुम्हारे नेल को दबा के रखो तो वो कैसा है हार्ड है। तो हर चीज़ मटेरियल्स भी ऐसे हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे डिवाइडेड है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जब भी तुम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखोगे और उन्हें प्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम क्या देखोगे कि कुछ को तुम बहुत ईजिली कंप्रेस कर सकते हो कंप्रेस यानी दबा पा रहे हो। जैसे स्पंज ले गया स्पंज को तुमने दबाया दब गया। वहीं तुम आयरन के रॉड को दबाने की कोशिश करो तो वो दबेगा नहीं। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द स्क्रैच ऑफ द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड एल्युमिनियम एंड अ पीस ऑफ स्टोन अ नेल कैंडल चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। तुम्हें कौन कौन से मेटल की ले ली वुड ले लिया एल्युमिनियम ले लिया चॉक ले लिया कैंडल ले लिया इन सब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ले लिया। अब उसके बाद मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट व्हाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड। कुछ मटेरियल जिसमें तुम स्क्रैच इजिली कर सकते हो। अब मैं इस बूट को लूँ डस्टर को लूँ मैं इसके ऊपर स्क्रैच कर सकती हूँ तो कैसे थोड़ा सॉफ्ट है पर फोर्स करूँगी तो टूटेगा नहीं क्योंकि एरिया बड़ा है तो टूटेगा नहीं पर ऊपर स्क्रैच करूँगी तो वो हो जाएगा। वहीं मैं किसी चीज़ को कंप्रेस कर रही हूँ आयरन को एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के अगर रॉड है ना तो उन्हें मैं कंप्रेस करूँगी अगर पतली है तो ईजिली बेंडेड हो जाएगी। तो मटीरियल कैसे खुद को मटीरियल तो हार्ड ही है तो इन बेसिस पे डिवाइड करिए सॉफ्ट मटीरियल एंड हार्ड मटीरियल। इन अपीयरेंस मैन मटीरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक लस्टर्ड हार्डनेस बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटीरियल। क्या तुम इसके अलावा कोई और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि जिससे तुम्हें पता चले कि मटीरियल का अपीयरेंस क्या है। नाउ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल की बात करें इनसॉल्युबल सॉल्युबल यानी जो चीज़ें पानी के अंदर मिक्स हो जाए इनसॉल्युबल यानी जो मिक्स नहीं होती। तो उसी के ऊपर एक एक्टिविटी है कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर सॉल्ट चॉक पाउडर सैंड एंड सोल डस्ट। तुम्हें कलेक्ट क्या करें तीन चार चीज़ें कलेक्ट करें डस्ट इज शुगर को कलेक्ट किया चॉक कलेक्ट किया चॉक पूरा चॉक नहीं करना चॉक का पाउडर करना। उसके बाद सैंड मिट्टी सॉ डस्ट या जो बजरी तुम बोलते हो वो अलग सैंड और सॉ डस्ट में डिफरेंस यही है कि जो तुम सैंड लेते हो वो पूरी तरह से घुल जाएगी पर थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाएगी। सॉ डस्ट जो बजरी तुम सीमेंट के साथ मिक्स करके घर बनाने में काम करते हो उसमें सॉ डस्ट में आयरन पीलिंग वगैरह सब कुछ मिक्स होता है। टेक फाइव बीकर्स फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट टू थर्ड विथ वाटर एड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू फर्स्ट ग्लास सॉल्ट टू सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इन द अदर ग्लासेस। हर पाँच बीकर्स लेना है बीकर्स लेने के बाद उसके अंदर पानी थर्ड फील करना है फिर उसमें धीरे धीरे सारे मटीरियल्स एक एक बीकर में अलग अलग ऐड करना है। स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून स्टीर यानी हिलाना है उसको स्पून के साथ। वेट फॉर अ मिनट ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू द वॉटर नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। उसके बाद तुम्हें ऑब्जर्वेशन देखना जैसे किसी में तुमने सॉल्ट किया किसी में तुमने सो डस्ट किया तो उसका ऑब्जर्वेशन तुम्हें नोट आउट करना है। तो सॉल्ट क्या होगा डिसअपेयर हो जाएगा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सॉल्यूबल हो जाएगा पानी के अंदर शुगर भी डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं अब सैंड की बात करें तो थोड़ी देर के लिए तो वो डिजॉल्व होगा फिर उसके बाद वापस क्या हो जाएगा सेटल डाउन नीचे जाएगा चॉक पाउडर ऊपर आ जाएगा सरफेस पे वहीं सॉ डस्ट भी
नीचे बैठ जाएगा। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर और डिसॉल्व इन वाटर। तुम नोटिस करोगे कि कुछ एकदम कम्प्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं और कुछ नहीं हुए। विच से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। जो सब्सटेंस पूरी तरह से सॉल्युबल हो गए, मतलब जो बिल्कुल अब तुम्हें दिख रहे पानी के साथ पूरे के पूरे मिक्सअप हो चुके नहीं दिख रहे, वो कैसे सब्सटेंस है? सॉल्युबल सब्सटेंस है। ऑन अदर हैंड जो मिक्स नहीं हो पाए विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टे लॉन्ग टाइम, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत टाइम तक हम उसे हिलाते रहे फिर भी वो डिजॉल्व नहीं हो पाए, तो वो मटेरियल कैसे है? इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डू लिक्विड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। वाटर जो है वो क्या है? मेन सोर्स है। अगर उसमें तुम कुछ भी मिक्स करना चाहोगे तो मिक्स करो। सॉल्युबल बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जब बात की जाए तो कौन है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर। वाटर के साथ मोस्टली सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मिक्स नहीं हो पाती। अब हम आगे देखेंगे कि लिक्विड्स भी मिक्स होते हैं कि नहीं होते। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तुम्हें क्या लेना है? विनेगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, नारियल तेल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड जो भी तुम्हारे आजू बाजू से सोप का लिक्विड है। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्ट्रेन इट वेल। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स करना और मिलाना। उसके बाद तुम्हें ऑब्जर्व करना है, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, उसे रेस्ट करने देना है। रिपीट द सेम अदर लिक्विड एट्स मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। और जितने लिक्विड्स तुम्हें अवेलेबल उनके साथ तुम्हें बीकर में पानी डालना और फिर अलग अलग मटीरियल्स डाल के देना। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। विनेगर क्या हो जाएगा? मिक्स वेल हो जाएगा। लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा। कोकोनट ऑयल मिक्स नहीं होगा, ऊपर ड्रॉप्स बन के वो तैरता रहेगा। वहीं कैरोसिन भी मिक्स नहीं होगा। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट्स कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। जब हमने देखा कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे पानी के साथ और कुछ लिक्विड्स क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो अपने ऊपर लेयर बना लेंगे। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर्स अदर आर नॉट। वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। वहीं हम कुछ गैसेस की बात करें तो कुछ गैसेस पानी के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। जब हम पानी के साथ कुछ गैसेस जैसे डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, अगर उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगा तो वो सांस ले पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कहाँ से सांस लेंगे। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज करते हैं तो वो भी क्या होता है? पानी में ही डिजॉल्व होगा ना थोड़ा सा। तो दोनों ये एटमोस्फेरिक चलता रहता है। तो कुछ गैसेस भी हैं जो पानी के साथ मिक्स हो पाते। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी और उसके बेसिस पे कि मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं, उस बेसिस पे आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। आज तक हमने क्या देखा? 3 चीज़ें देखी, दैट इज अपीयरेंस देखा। अपीयरेंस में देखा कि कुछ मटेरियल शाइन करते हैं, कुछ मटेरियल शाइन नहीं करते। जो मटेरियल शाइन करते हैं या लस्टर शो करते हैं वो कौन है? मोस्टली मेटल्स। हार्डनेस में भी हमने डिवाइड किया सॉफ्ट मटेरियल्स और हार्ड मटेरियल। अब ये चॉक कैसा है? सॉफ्ट मटेरियल। वहीं हार्डनेस की बात करें तो आयरन कैसा है? हार्ड मटेरियल। फिर दूसरा हमने देखा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए। वहीं जब हम इनसॉल्युबल की बात करें, जैसे सॉल्ट और शुगर पानी के अंदर सॉल्व डिजॉल्व हो जाते हैं। वहीं जैसे अब एक कंडीशन आती है, पता है एक स्टेज ऐसी भी आती है जब तुम देखते हो कि मतलब शुगर तुम डिजॉल्व तो करे पर बहुत देर के बाद शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, कुछ शुगर रह जाती है, तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होती है उसमें शुगर ने अपनी जगह ली थी, पर उसके ज़्यादा शुगर तुमने पानी में ऐड कर दिया तो वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। फिर बाद में इनसॉल्युबल ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते, जैसे सैंड का है, थोड़ी देर के लिए वो सॉल्युबल होगा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। वहीं हमने देखा सॉडस्ट भी क्या होगा? नीचे सेटल डाउन। अब वहीं लिक्विड्स की बात करें तो विनेगर सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, हम रोज पी का जूस पीते हैं या रू अफ्जा पीते हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। वहीं हम ऑयल्स की बात करते हैं तो ऑयल थोड़ी देर के लिए तो मिक्स होता पड़ती है, थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है? एक लेयर बना लेता है डिफरेंट। थैंक यू, आज हमारा सेक्शन यही खत्म। थर्ड सेक्शन में देखेंगे कि चीज़ें कौन सी फ्लोट करती हैं, कौन सी नहीं करती, कौन से ऑब्जेक्ट्स
हम बेसिस ऑफ ऑफिडेंस के उस पर डिवाइड करेंगे। थैंक यू।